हे गाइस, मैं हूं जेस्टर गेमर। फाइनली गाइस, वो वक्त आ चुका है जिस चीज का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो गाइस यार, आज से हम लोग काफी मस्त एक एपिसोड चालू करने वाले हैं, जहां पर गाइस हम लोग हर एक क्रिएटर यानी कि हर एक गेमिंग क्रिएटर, जैसे कि माइनक्राफ्ट को खेल रहा है, जैसे कि अंशु बिस्ट हो गए, स्मार्टी पाई हो गए, बिक्सी हो गए, सारे माइनक्राफ्ट गेमिंग क्रिएटर्स की आप लोगों को न्यूज दूंगा। और साथ साथ गाइस मैं तुम लोग का काफी सारे गेम्स की न्यूज भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये 100 डेज एपिसोड के चैलेंज में आप लोग मेरे साथ रहिए और हमारे इस पूरे गेमिंग एपिसोड के साथ मजे लीजिए। ओके गाइस, तो आज मेरे पास से आप लोग के लिए 5 गेमिंग न्यूज जो कि गाइस काफी ज्यादा ऑसम होने वाला है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को अगर नए हो तो, ठीक है। बात करते हैं गेमर फ्रीड की लिली विल एसएमपी का, ठीक है। आप लोगों को गाइस पता होगा कि गेमर फ्रीड भाई जो इनवाइट थे जैक भैया के एक वर्ल्ड के अंदर, जो कि लिली विल वर्ल्ड था, देन उसके बाद वहां पर और भी काफी सारे मेंबर ज्वाइन होते हैं, देन वो वाला वर्ल्ड एसएमपी में कन्वर्ट हो जाता है। एंड गाइस अभी का जो रिसेंट वीडियो है गेमर फ्रीड का, जैसा कि गाइस अभी आप लोग देख ही सकते हो गेमर फ्रीड के चैनल पे जो कि अभी न्यू वीडियो है, लिली विल मेंबर्स आर इन डेंजर। तो गाइस इस वाले वीडियो के अंदर गाइस काफी ज्यादा हेवी वाला इंसिडेंट हो जाता है गेमर फ्रीड भाई के साथ। बेसिकली गेमर फ्रीड भाई इस वीडियो के अंदर एक पजल हाउस में जाकर ट्रैप हो जाते हैं। देन भाई जितने सारे मेंबर्स थे वहां पर, जैसे कि जैक भाई हो गए, डीएक्सएक्सडी हो गए, काफी सारे मेंबर्स और भी थे, वो लोग सारे के सारे मेंबर्स गाइस ट्रैप हो जाते हैं। देन गाइस वहां पर काफी ज्यादा अजीब से माहौल छा जाता है एंड गेमर फ्रीड एंड काफी सारे जैक भैया काफी ज्यादा वो लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इस पजल वाला हाउस को सॉल्व करके यहाँ से बाहर निकला जाए। और काफी ज्यादा एक्सप्लोर करते करते गेमर फ्रीड को मिलता है एक फेबियो, एक फ्रॉग मिलता है एक रूम के अंदर, जहां पर गाइस उस फ्रॉग के मुंह से काफी सारा टीएनटी भी फिर मिलता है। आप लोग जैसे कि गाइस देख ही सकते हो यहाँ पर कितने सारे टीएनटी आ चुके हैं गेमर फ्रीड भाई के पास। और उसके बाद गाइस वो लोग क्या करते हैं, जैसे इस फ्रॉग के मुंह से काफी सारे टीएनटी निकलती है गाइस, वहां पर काफी सारे बंदे जो है जैक भाई, डीएक्सडी, सारे के सारे बंदे रूम में लगा देते हैं टीएनटी। एंड देन गाइस हमारे जो फ्रीड भाई है वहां पर लगा देते हैं टीएनटी में फ्लिंट। एंड देन गाइस पूरी की पूरी रूम को वो लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड फिर गाइस ये लोग अपना वहां से निकल जाते हैं। ओके, अभी तो मैंने लिली विल एसएमपी की बात कर ली, अब हम लोग बात करते हैं भाई टेक्नो गेमर्स फाइनली किडनैप हो चुके हैं। जी हाँ गाइस, काफी ज्यादा मजा आने वाला, देखो गाइस ये वाला भी देखो। तो दोस्तों सक्सेसफुली किसी को मैंने किडनैप कर लिया है, तुम लोग मेरे को रिप्लाइज में बताना कि क्या फिराती लो। ओ भाई लॉर्ड, सक्सेसफुली यार इनको मैंने किडनैप कर लिया। ओ अरे हाथ पर 2002, चलो आज कोई पिटने वाला है। ए भाई 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 वेरीफाइड भाई भाई, ऐसे लोगों को गाड़ी में ही मत बैठाओ, मैं तो कह रहा हूँ आगे से देख के, अगर ये कहीं दिखते हैं इनको गाड़ी में मत बैठाना अपनी, ठीक है ना। भाई बताओ यार, जैसे कि गाइस आप लोगों ने देखा यहाँ पर अंशु बिस्ट ने अपना जो इंस्टाग्राम का स्टोरी था वहाँ पर क्या लगाया, मुझे लगता है कि भाई ये लोग कोई इवेंट में जाने वाले, मुंबई गए। अभी एक और स्टोरी दिखाता हूँ तुम लोगों को, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों तो हम लोग पहुँच चुके हैं मुंबई और मैं अपनी फिरौती का सामान भी लेके आ चुका हूं। भाई फिरौती अभी तक ये कुछ कर रहे हैं ना उल्टा, भाई उज्जवल भाई को फिरौती बोल दिया। मैं हूँ, मैंने पकड़ा हुआ है इनको, ठीक है। अभी तक का तो सिर्फ खर्चा रहा, तुम लोग बताओ कितना कितना निकाला जाए इनसे, सोचो कुछ कर। अच्छा भाई ये कुछ पीछे कर रहे हैं गाइस यार, अभी हम लोग बढ़ जाते हैं अपने स्मार्टी भाई की तरफ। स्मार्टी भाई ने लास्ट वीडियो अपलोड किया डेथ स्वैप, जहां पर गाइस स्मार्टी भाई एंड जो अपना ड्रीम बॉय है वो लोग चैलेंज करते हैं एक दूसरे को एक वर्ल्ड के अंदर ट्रैप से मारने का। जी हां गाइस आप लोगों ने सही सुना, ट्रैप से मारने का, नहीं कि हाथ से, हाथ से कोई भी नहीं मार सकते, ट्रैप से मारना पड़ेगा। सिर्फ एक दूसरे को हम लोग मार सकते हैं ट्रैप के साथ, एक दूसरे पे हाथ नहीं उठा सकते बिल्कुल भी नहीं। यही वाला चैलेंज गाइस तीसरा चैलेंज होने वाला है। लास्ट दो चैलेंज के अंदर स्मार्टी भाई जीत चुके हैं और पता नहीं इस चैलेंज के अंदर कौन जीतेगा। ओके ओके गाइस, तो ये वाला चैलेंज भी भाई स्मार्टी भाई जीत चुके हैं, ड्रीम बॉय को बोलो फिर से ट्रैप में फंसा दिए और उसको मार दिए। गाइस देन हमारा चौथा जो न्यूज है वो बहुत बड़ा अपडेट है गाइस। गाइस देन माइनक्राफ्ट का एक प्लेयर नेदर भी आता है, देन गाइस वहां पर उसको बहुत बड़ा जायंट क्लस्टर एंड ग्लोस्टोन मिलता है। मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर दिखाता हूं किसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। गाइस देन जैसे कि आप लोग यहां पर देख ही सकते हो, ये वाला वीडियो मुझे रेडिट पे मिली, जहां पर एक बंदा नेदर पे जाता है एंड देन उसको गाइस एक बहुत बड़ा जायंट क्लस्टर ग्लोस्टोन मिलता है, जहां से गाइस देख ही सकते हो गाइस यहां पर देखो। ओ भाई कितने सारे यहाँ पर ये चीज गाइस लैंटर्न एंड टॉर्च बनाने में काफी ज्यादा काम आती है, आप लोग ऐसे ही पता ही होगा। गाइस हमारा जो पांचवा न्यूज वो एक बहुत बड़ा क्राफ्ट है, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ किस चीज में बात कर रहा हूँ। तो गाइस यार एक माइनक्राफ्ट के बंदे ने एक माइनक्राफ्ट के अंदर एक बहुत बड़ा रोलर कोस्टर बनाया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रोलर कोस्टर है। मैं तुम लोग को वो वाला वीडियो दिखाता हूँ जहाँ से मैंने रेडिट उठाई है। आप लोग गाइस यहाँ पर जैसे देख ही सकते हो, यहाँ पर भाई बंदे ने काफी सारे रेल की पटरियां बिछा रखी है, जैसे इसने यहाँ पर क्लिक करता है तो अब ये बाहर जाता है। देखो गाइस यहाँ से वीडियो स्टार्ट होती है, ये रोलर कोस्टर काफी ज्यादा बड़ा है भाई, और पता नहीं इसने ये कैसे बना लिया, बहुत ज्यादा मेहनत की बंदे ने। मैं इसके क्रेडिट गाइस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो प्लीज गाइस इसको चेकआउट जरूर करना। ओ भाई कितना बड़ा यार ये, ओ वाओ इट्स एपिक मैन, एपिक।